Assalamu alaikum, my dear guests, and welcome back to another exciting lesson which is being assembled by Metropolitan School. My kids, the lesson which we are going to learn today is about something related to nature, and we are going to have a lot of fun learning about it. आज हम लोग बहुत ही interesting lesson समझेंगे और उसको read करेंगे अच्छी तरह, लेकिन हम यहाँ भी नहीं करेंगे, we'll go out. Okay students, here we are in a beautiful green garden because today we are going to learn about plants. Our today's unit is all about plants, and as we have discussed, plants are living things because they grow, they die, they breathe and they eat as well. So let me tell you one more thing, that plants are of different sizes. Some are above the ground, some are below the ground, some are on the ground. So today we are going to learn about the types of plants, that are first one herb, shrub, creeper, climber and trees. हर्ब्स आर मोस्टली यूज इन ईटिंग थिंग्स, लाइक जब हम कुछ खाते हैं, जैसे कि हम लोग मिंट यूज़ करते हैं फॉर गार्निशिंग, हम कोरिएंडर यूज़ करते हैं और डिफरेंट तरह के हर्ब्स मेडिसिंस में भी यूज़ हो रहे होते हैं. देन शर्ब्स होती हैं वो प्लांट्स जो बुशी प्लांट्स होती हैं, जिनके अंदर बहुत सारी स्टेम्स होती हैं लेकिन कोई बार्क नहीं होती. उसके अलावा फिर आते हैं क्रीपर्स. क्रीपर माय डियर स्टूडेंट्स वो प्लांट्स होते हैं जो आपके ग्राउंड पे फैले हुए होते हैं और उनका जो फ्रूट होता है वो आपके ग्राउंड पे ही ग्रो करता है. देन कम्स क्लाइंबर्स. क्लाइंबर माय डियर स्टूडेंट्स वो प्लांट्स होते हैं जो किसी भी चीज़ का सहारा लेके ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और उनके फ्रूट्स कहीं ना कहीं ऊपर ही बड़े होते हैं. Then in the end comes trees. Trees are those plants जो बहुत ऊँचे होते हैं, they have a wide bark, ताकि वो बहुत लंबे अरसे तक वहाँ पर stand कर सकें और different fruits दे सकें. So let's start with the herb. As you all can see, this is mint. इसको कहते हैं हम पुदीना उर्दू में, ये है mint. This is a herb. हम इसको खाने में भी यूज़ करते हैं, हम इसको पकाने में यूज़ करते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इसी की तरह कोरिएंडर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं धनिया, वो भी हमारे खाने में यूज़ होता है. सो दीज टूज आर कॉल्ड हर्ब्स. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स शर्ब माय डियर स्टूडेंट्स. Dear students, called shrub because as you all can see, this have small stems but no bark. मतलब इसके अंदर कोई मोटी branch नहीं है, इसके अंदर हमें पतली stems नज़र आ रही हैं और ये बहुत ही ज़्यादा bushy है. That's why this is called shrub. Then now it's time to move towards creepers and climbers. So let's find climbers first so that I can relate it to you. These are climbers, my dear student. As you all can see, इसके roots नीचे हैं और ये all the way सहारा लेके ऊपर आ रहा है. It's taking something else weight to move towards production of its फ्रूट और वेजिटेबल. देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर से फ्लावर्स भी हैं, इसके अंदर वेजिटेबल भी निकल रहा है. सो इन द सेम मैनर जो क्रीपर्स होते हैं वो इस तरह ऊपर नहीं आते, लेकिन जिस तरह ये वाला हमारा स्टेम नज़र आ रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये सारे क्रीपर्स हैं क्योंकि ये ज़मीन में हैं, क्लोज टू ग्राउंड हैं और यहाँ पर इसके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिल्कुल ज़मीन पर उगते हैं. बट क्लाइंबर्स क्या हैं? क्लाइंबर्स ऊपर आए हुए हैं, किसी का सहारा लेके ऊपर आते हैं और इसके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऊपर की तरफ बनते हैं. देन इन द लास्ट स्टूडेंट्स, दिस इज एन अदर टाइप ऑफ ट्री. दिस इज नीम ट्री. इसकी जो बार्क एरिया है वो ये है, बिकॉज एज यू ऑल कैन सी, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड है और मोटा है, और जब ये बड़ा होगा तो ये और वाइड हो जाएगा. देन इट इज़ सब डिवाइडेड इंटू ब्रांचेस. ये हैं इसकी सब डिवाइडेड ब्रांचेस, जिसके बाद इसके अंदर से लीव्स ग्रो कर रहे हैं. एज यू ऑल कैन सी, हर ब्रांच में से सेवरल लीव्स जो हैं वो ग्रो हुए हुए हैं. इन द सेम मैनर सारे ट्रीज इसी तरह बड़े बड़े होते हैं, पहले वो प्लांट्स होते हैं, उसके बाद फिर बड़े होकर
वो टर्न हो जाते हैं ट्री में. एंड एज यू ऑल हैव सीन, हम सारे प्लांट्स की टाइप्स को कर चुके हैं कवर. नाउ इट्स टाइम टू टेल यू द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द रूट सेक्शन. रूट सेक्शन हर प्लांट का अंडर द ग्राउंड होता है, क्योंकि जब हम पानी देते हैं तो ये सॉयल हमारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है. उसके अंदर जो रूट्स होती हैं वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, और फिर उस वही रूट्स के थ्रू सारा जो वाटर होता है वो पूरे प्लांट में सर्क्यूलेट होता है. देन दिस इज द स्टेम एरिया जो आपके रूट्स के अंदर से निकलता है, और ये है ब्रांचेस. फिर आते हैं लीव्स. माय डियर स्टूडेंट्स, लीव्स होते हैं जो आपके इस पूरे प्लांट को फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बिकॉज यहीं पे सनलाइट पड़ती है. एंड ऑल यू मतलब जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक प्लांट का जो फूड होता है वो सनलाइट के थ्रू होता है, वो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट जो होता है एक प्लांट का वो होता है फ्लावर. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक रोज़ फ्लावर है और ये रोज़ का प्लांट है. Okay, my dear students, the last example for you guys is of brinjal plant. As you all can see, यहाँ पे हमारे plant में एक छोटा सा small सा brinjal है, क्योंकि पहले यहाँ पे एक flower आता है, उसके बाद उसके अंदर से हमारा vegetable या fruit निकलता है, right? So सारे यहाँ पे आपको छोटे छोटे से brinjals नज़र आ रहे होंगे, because वहाँ अब इसके अंदर vegetable produce हो रहे हैं. In the same manner, इसी तरह जो है सारे fruits or vegetable produce hote hain from a flower. Okay, students, as we have discussed that we get fruits and vegetables from flowers. Jab hamare plants mein se flower nikalta hai, uske baad hame fruit or vegetable milta hai. So here I am holding a fruit which is an apple. Is apple mein aap jaise dekh sakte hain, it is covered with a skin. This is called the skin of an एप्पल. और एनी फ्रूट जो आउटर पार्ट होता है वो कहलाता है किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का स्किन. उसके बाद जब हम उसको हाफ करते हैं, वी कट इट इन टू हाफ, तो उसके बाद हमें मिलता है अंदर से एक फ्लैशी पार्ट विच इज आवर थिंग टू ईट, जिसको हम खाते हैं. और फिर उसी के अंदर से हमें मिलते हैं सीड्स. जैसे कि अब हम लोगों ने एग्जाम्पल ली है एप्पल की, तो वी हैव सो मैनी सीड्स इन एप्पल. दे आर मोर देन वन सीड इन एप्पल. बट इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैंगो, जब हम मैंगो को कट ओपन करते हैं तो उसके अंदर ओनली वन सीड होता है. फ्लैशी पार्ट के बाद वी गेट ओनली वन सीड. नाउ देर इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट विच आर ऑल्सो कॉल्ड नट्स. दीज ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स. ये है एलमंड, जिसको हम बादाम कहते हैं. देयर इज एन आउटर कवरिंग विच इज़ वेरी हार्ड. इसकी बाहर एक स्किन होती है जस्ट लाइक द फ्रूट. इसकी जो कवरिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, और जब हम उसको तोड़ते हैं व्हेन वी ओपन इट, तो हमें ये वाला पार्ट मिलता है विच वी ईट. दिस इज ऑल्सो द सीड ऑफ द पार्टिकल. यू नो, जब हम इसी को, हमें आलमंड ग्रो करना होता है तो हम सेम इसी को थोड़ी देर वेट करने के बाद इसको सॉइल में डंप करते हैं, उसके बाद हमारा आलमंड का ट्री और प्लांट निकल आता है. गेटिंग माई पॉइंट? सो सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इज दिस, एंड सम आर इन द शेप ऑफ फ्रूट एंड सम आर इन द शेप ऑफ वेजिटेबल, जस्ट लाइक वी डिड इन द गार्डन. Okay, my dear students, I guess we have all discussed many things about plants and the seeds and all the things which a plant has or trees have, right? Now it's time to start with our exercise. प्लांट्स के बारे में पढ़ने के बाद अब हम करेंगे उससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो आपकी बुक में है और पेज नंबर 21. So in this exercise, my dear students, we have to mark these sentences with T or F. जो ट्रू होगा उसको हम टी से मार्क करेंगे, और जो फॉल्स होगा उसको हम एफ से मार्क करेंगे. सो लेट्स बिगिन. नंबर वन इज लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. जो उसके लीव्स होते हैं किसी भी प्लांट के, किसी भी ट्री के जो लीव्स होते हैं, क्या उसके थ्रू प्लांट अपना फूड बनाता है? येस, वी हैव डिस्कस्ड कि लीव्स के ऊपर जो वेन्स होती हैं उसके थ्रू
वो पूरा फूड प्रोसेस होता है. ओके, सेकेंड वन इज रूट्स टेक इन वाटर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रूट्स कहाँ होती हैं, अंडर द ग्राउंड होती हैं, और वो जब हम पानी देते हैं तो हमारा सॉयल जो होता है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद रूट्स तक वो पानी पहुंचता है और फिर वो ऑल ओवर द प्लांट सर्कुलेट होता है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड वी विल मार्क इट विद अ टी. देन नेक्स्ट वन इज ऑल ट्रीज हैव फ्रूट्स. क्या जितने भी ट्रीज होते हैं सब में फ्रूट्स आते हैं? नो, वी हैव ऑलरेडी मैंशन मैनी ट्रीज जिसके अंदर फ्रूट नहीं होते. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड वी विल मार्क इट विद एफ. लास्ट वन इज फ्रूट्स हैव अ स्किन ऑन द आउटसाइड. फ्रूट्स के बाहर एक स्किन होती है जिससे वो पूरा कवर होता है, फ्लैशी इनर पार्ट. जब हम स्किन हटाते हैं तो उसके अंदर से फ्लैशी मटेरियल टाइप थिंग निकलती है. यस, एंड सीड इन द मिडल, और सबसे बीच में हमें सीड मिलता है. सो इमेजिन अ फ्रूट, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मैंगो. मैंगो क्या होता है? पहले एक स्किन से कवर्ड होता है, उसके बाद अंदर से फ्लैशी पार्ट होता है उसका, और फिर एंड में एक सीड होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. लेट्स रिपीट वन टाइम. Leaves make food for the plants. Yes, leaves make food for the plants. So it's true. Roots take in water. Yes, roots take in water. All the trees have fruits. No, not all trees have fruits. So this is false. Fruits have a skin on the outside, fleshy inner part, and seed in the middle. Yes, all fruits have skin on the outside, fleshy inside, and seed in the middle. Okay boys and girls, after doing the first exercise, let's move on towards the second exercise, which is on page number 22, exercise 1, and you all have to do this one in your book as well. This exercise is about choose the correct answer. So let's begin with number 1. Which of these is type of a herb? As we have discussed, what are herbs? Herbs kya hote hain? To ab hume batana hai ki in charo mein se herb kaun sa hai. First one is jasmine, मैंगो, क्यूकम्बर और कोरिएंडर. आप बताइए कि कौन सा जो है इन चारों में से हर्ब है. जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं इन आवर लेसन, कोरिएंडर इज अ हर्ब. सेकंड वन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ फ्रूट. इन चारों में से वो कौन सा पार्ट है जो फ्रूट नहीं है. फर्स्ट वन इज ऑरेंज. इज ऑरेंज अ फ्रूट? यस. प्लम इज ऑल्सो अ फ्रूट. पाइनएप्पल इज ऑल्सो अ फ्रूट. सो द लेफ्ट ओवर वन इज रेडिश, एंड रेडिश इज नॉट अ फ्रूट, इट्स अ वेजिटेबल. थर्ड वन इज विच ऑफ दीज इज अ सीड. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सीड है? फर्स्ट ग्रेप. इज ग्रेप अ सीड? No, grape is a fruit. Apricot is also a fruit. Rose is a flower. So the left one is orange pip. Orange pip, my dear students, is that are those seeds in orange. जब आप ऑरेंज खाते हैं तो उसके अंदर से छोटे छोटे से बहुत सारे सीड्स निकलते हैं, तो उनको कहते हैं हम ऑरेंज पिप. So we will circle number G. Then fourth one is which of these fruits grow on trees? इन चारों में से जितने जो चारों फ्रूट्स हैं इनमें से ट्रीज के ऊपर कौन सा फ्रूट होता है? पम्पकिन? नो, पम्पकिन ग्रोज बिटवीन द क्रीपर्स. वो वाले जैसे हमने डिस्कस किया, वो प्लांट्स जो ज़मीन के ऊपर ही फैले हुए होते हैं उनको क्रीपर्स कहते हैं. देन वाटरमेलन? नो, वाटरमेलन भी क्रीपर होता है. मैंगो? मैंगो का क्या होता है? ट्री. सो द आंसर इज ट्री में मैंगो उगते हैं. और द लास्ट वन इज ग्रेप. ग्रेप को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो ट्रीज पे नहीं उगते. देन व्हाट डज द स्टेम कैरी टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. अब हमें बताना है कि जो एक प्लांट का स्टेम होता है वो इन चारों में से कौन सी चीज
पूरे प्लांट्स को पहुंचाता है, कौन सी चीज़ को कैरी करता है और दूसरे प्लांट्स के पार्ट्स को पहुंचाता है। फर्स्ट वन इज़ एयर एंड वाटर, सेकंड वन इज़ एयर एंड फूड, देन वाटर एंड फूड या फिर एयर। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, जो हमारी स्टेम होती है वो प्लांट को वाटर और फूड प्रोवाइड करती है। सो लेट्स रिपीट वन मोर टाइम। इन द फर्स्ट वन वी हैव टू सर्कल द हर्ब एंड द हर्ब इज कोरिएंडर, देन वी हैव टू सर्कल विच इज नॉट अ फ्रूट, सो रेडिश इज नॉट अ फ्रूट, इट्स अ वेजिटेबल। देन विच ऑफ दीज इज नॉट इज अ सीड, सो ऑरेंज पिप इज द सीड अमंग ऑल फोर ऑफ रिटन हेयर। विच ऑफ दीज फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, इन चारों में से वो कौन सा फ्रूट है जो ट्री पे ग्रो होता है, तो मैंगो इज दैट ट्री। विच वॉट डज द स्टेम कैरी टू द अदर पार्ट्स, स्टेम क्या कैरी करती है प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में, स्टेम कैरी वाटर एंड फूड माई डियर स्टूडेंट। सो वी ऑल हैव लर्न अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑफ प्लांट्स, हर्ब्स, शर्ब्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, seeds and everything related to plant and trees. And then we did exercise on page number 21, and then we did this exercise which is on page number 22. In this lesson we have done all these things. See you in the next one. Allah Hafiz.